बैठो क्यों बैठो यहाँ पे, जो लेना है वो ले लें। आप शौक से लेकर आएंगे ना, इधर ले आओ खिलौनों में ले आओ। चारों तरफ पहाड़ से ढका हुआ है और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये कितनी खूबसूरत जगह होगी। इस होटल के बाहर बाजार भी है, पहले हम वो विजिट करते हैं जो ज्वेलरी एंटीक चीजें और शॉल के लिए बड़ी मशहूर है। ये अलायका तंग कर रही है मामा को, तंग कर रहे ना। बैठो क्यों बैठो यहाँ पे, जो लेना है वो ले लें। डॉगी दिखाऊं? मैंने दिखा दे कैट, कैट भी आऊं, कैट दिखाएं, कैट इधर नीचे, कैट नीचे आओ, नीचे चल, कैट है मन्नो, है मन्नो, आओ तो आओ मन्नो दिखाओ। अब हम यहाँ पे विंटर शॉपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हैंडवर्क्स, बैग्स, फ्रॉक्स, बेबीज आइटम्स, ज्वेलरीज, एंटीक आइटम्स, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी और शॉल्स भी बहुत बड़ी प्यारी प्यारी थी। लेकिन शॉल हमने यहाँ से बाय नहीं किए, वो हमने इस्लामपुर से बाय किए, यहाँ लिटिल बिट एक्सपेंसिव थी इसलिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? दो अंदर चलने, आप पीछे दिखाओ, आप पीछे दिखाओ, कितना इतनी ग्रीनरी देखने के बाद हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इतना खूबसूरत क्यों है। अगर इंसान को सबसे पहले कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो है ग्रीनरी। इंसानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ग्रीनरी, और यहाँ पे फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट है, इसीलिए लोग इतनी दूर दूर से ये रिजॉर्ट में अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं।
बादशाह ने तामीर कराया था, और ये देखने से भी लगता है कि ये किसी बादशाह का तामीर कराया हुआ है। लेकिन अब ये टूरिज्म पॉइंट बन गया है और यहाँ पे लोग अपनी समर वेकेशन इंजॉय करने आते हैं। इस होटल के तीन नाम रखे गए थे, पहले सवाती ताजमहल, फिर मोती पैलेस और अब वाइट पैलेस, क्योंकि ये वाइट संगमरमर से तैयार किया गया था तो इसका नाम अब यही रख दिया गया। अब हम शाम की चाय इस कॉन्फ्रेंस रूम में पी रहे हैं और अलाइका के लिए हमने फ्राइज़ मंगवा लिए थे। ये थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम सुबह से शाम तक कहाँ पर जा रहे हैं। इनको एक मक्खी भी डिस्टर्ब कर रही थी और यहाँ पर हवा भी नहीं आ रही थी। बीइंग अ पेरेंट्स एंड मॉम को यहाँ पर हवा देनी पड़ रही है इनको, लेकिन फिर भी ये डिस्टर्ब हो रही हैं। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।